कि ये जो टिकट हमारा लास्ट में फाइनल हुआ है, इसमें लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश करी। ये अब मेवात की 3600 बिरादरी ने मिलके दुआ करी, तब जाके हमारा ये टिकट क्लियर हुआ। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मुबारक। दोस्तों, कामरा विधानसभा में अब बड़े जोर शोर के साथ चुनाव चल रहा है और इस चुनाव को लेकर जो भी यहाँ नेता हैं सब अपने अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और हर जगह अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता हुआ चलूं कि वीडियो क्लिप जो आपने शुरू में देखी मंत्री जाहिदा खान जिसमें कहती हुई नज़र आ रही हैं कि ये टिकट जो हमें मिला है ये 36 बिरादरी की दुआओं से मिला है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा विरोध हुआ था जिसको मंत्री जाहिदा खान ने स्वीकार किया है। जैसा कि आपने शुरू में वीडियो क्लिप देखी, जैसे कि उसने कहा कि इसमें काफ़ी रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी मंत्री जाहिदा खान के हाथों में टिकट थमा दिया है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब मंत्री जाहिदा खान कामा विधानसभा से अपनी जीत हासिल कर पाती है या नहीं, ये तो देखना होगा जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे। ये तो उस वक्त पता चलेगा कि कामा विधानसभा से कौन जीत हासिल कर पाता है, यहाँ से नौकचम चौधरी या मंत्री जाहिदा खान या सीएम मुख्तार अहमद। जो भी यहाँ से जीत हासिल कर पाएगा वो आपके सामने 3 तारीख को उनके परिणाम आएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए एक बार नज़र डालते हैं मंत्री जाहिदा खान की इस वायरल वीडियो पर। आप लोगों को बहुत तफसील से मुबीन जी ने और बाकी सब ने बता दिया है, तो उन बातों को ना दोहरा के मैं तो सिर्फ आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये जो टिकट हमारा लास्ट में फाइनल हुआ है, इसमें लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश करी। ये अब मेवात की 3600 बिरादरी ने मिलके दुआ करी, तब जाके हमारा ये टिकट क्लियर हुआ। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मुबारक। अभी इलेक्शन भी मेवात की 3600 बिरादरी का है, न्याय और अन्याय का है, अहिंसा और हिंसा का है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि बीजेपी हमेशा लड़ाई कराती है, भाईचारे को खत्म करती है, नफरत के बीज बोती है, भाई को भाई से जुदा करती है। हम लोगों को उनकी तरह अहिंसा नहीं करनी है। हिंसा में हम लोग विश्वास रखते हैं, प्यार मोहब्बत की हमारी पार्टी बात करती है और हम भी। अगर मेरी ही बात लें, मैंने मेवात की 3600 बिरादरी को ही साथ लेकर काम करने की कोशिश करी, अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम सब लोगों को उनको जवाब देना है। 25 तारीख को हाथ के निशान के सामने बटन दबा के हमें उनकी हिंसा का जवाब अहिंसा से देना है। वो जो जीत दर्ज होगी आपकी कामा विधानसभा से, वो उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है। तो मैं आप लोगों से यही दरखास्त करूंगी कि हम लोग उनको अहिंसा से जवाब दें, अपनी ज्यादा से ज्यादा जीत को दर्ज करके। और मुझसे भाई अगर कोई गलती हुई है तो मैं आप सब लोगों से उसके लिए माफी मांगती हूँ और यकीन दिलाती हूँ कि आगे से इस तरह से नहीं होगा। साजिद प्रधान जी ने मेरे साथ रहेंगे, तो आप लोगों के बीच में साजिद मौजूद रहेगा, किसी तीसरे से आप लोगों को बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं, ये इलेक्शन आपका है,